अलैक्म बेटा, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ और चैट नजर आ, आपको स्क्रीन नजर आ रही है क्लियरली? अच्छा, तो ये जो आपके सामने स्क्रीन आपको नजर आ रही है, यहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में मेरे साथ सबने कि शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। एक मिनट मुझे दीजिएगा जरा। आज हमें दो बातें पढ़नी है आगे ना। हमें सबसे पहले पढ़ना है कि अगर हम न्यूक्लियस से देखना शुरू करें तो ऑर्बिटल्स का डिस्टेंस किस तरह से है। ठीक है, अच्छा ये देखें, यहां पर ये जो आपको सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये आपके शेल्स हैं। 4 के ऊपर आप 5 सोच लें, 5 के ऊपर 6 सोच लें, 6 के ऊपर 7 सोच लें, 1 से नीचे आप न्यूक्लियस सोचें, 1 से नीचे न्यूक्लियस एटम का। न्यूक्लियस के बाद फर्स्ट शेल है, सेकेंड शेल है और थर्ड शेल है। स्टूडेंट्स ये सोचते थे कि सेकेंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जगह पर है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है कि सेकेंड शेल में जो 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो दो जगह पे डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, एक जगह को हम 2s कहते हैं और एक को हम 2p कहते हैं। मतलब आपने ओलेबल में पढ़ा है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2ks में होते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2kp में होते हैं। हाँ, फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, फर्स्ट शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं वो एक ही जगह पर होते हैं, जिसको 1s कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप यहां पर न्यूक्लियस सोच रहे हैं तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से ज्यादा करीब है, ये 2, और ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है। सही है, सेकेंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से करीब हैं और 6 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है डिस्टेंस के हिसाब से। फिर आता है थर्ड शेल, थर्ड शेल में आप कहते हो 18 इलेक्ट्रॉन है, वो 18 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2ks में है और 6 इलेक्ट्रॉन 2kp में है और 8 बाकी के 10 इलेक्ट्रॉन जो है ना, 10 इलेक्ट्रॉन वो सॉरी 2 बोल रहा हूँ, 3 के डी में। फिर आता है 4 में है 32 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें से 4ks में है, 6 इलेक्ट्रॉन 4kp में है, 10 इलेक्ट्रॉन 4kd में है और 14 इलेक्ट्रॉन 4kf में है। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? तो यानी कि थर्ड शेल के जो 18 इलेक्ट्रॉन है वो सब के सब न्यूक्लियस से एक डिस्टेंस पे नहीं है। थर्ड शेल के जो ये 2s इलेक्ट्रॉन है ये वाले सबसे करीब हैं, ये सबसे करीब है न्यूक्लियस से। फिर 3p के इलेक्ट्रॉन थोड़े से उससे दूर हैं न्यूक्लियस से। ये डिस्टेंस समझ में आया सबको?
एक्सैक्टली अब अगर आपको डिस्टेंस समझ में आ गया तो ये मैंने डिस्टेंस लिख दिया है यहाँ पे। डिस्टेंस का फायदा ये होता है कि डिस्टेंस ऑर्डर आपको मदद करता है ये बताने में कि इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे होते हैं एटम में से। ठीक है, अगर एटम पूरा भरा हुआ है तो हमेशा उसमें से पहले न्यूक्लियस से सबसे फर्दर अवे जो ऑर्बिटल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे। 1 मिनट जरा होल्ड कीजिएगा प्लीज। चलिए जी, हुसने जैनब माइक अनम्यूट करके पूछें क्या कह रही हैं। जी हुसने जैनब, आई थिंक जवाब नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो आप में से जिस किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन पूछना होता है ना तो बेटा माइक अनम्यूट करके पूछा करें, और माइक्स को अपने जो है वो फिर इन ऑर्डर रखें। इस वजह से तो हम ये पढ़ रहे हैं कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से सब सेल्स का क्या रिलेशन है। ठीक है, जैसे आपके माइंड में ये बना हुआ है कि न्यूक्लियस के बाद पहला शेल आता है, उसके बाद फिर दूसरा शेल आता है, उसके बाद तीसरा शेल आता है, उसके बाद चौथा शेल आता है। तो अब अपने माइंड में आपने सब शेल्स को कैसे बनाना है, आपने ये बनाना है कि फर्स्ट शेल का सब शेल तो एक ही, उसके बारे में तो प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड शेल में दो सब शेल्स हैं, तो उनमें से एक जो है 2s वो न्यूक्लियस से करीब है, वो पहले आएगा रास्ते में आपके, फिर 2p आएगा बाद में। ऑल्दो 2s और 2p दोनों सेकेंड शेल की टेरिटरी कहलाएंगी, पूरी की पूरी यहां से लेके यहां तक अगर मैं इसको लिखूं तो ये टू, ये टेरिटरी आपकी टू सेकेंड शेल की कहलाएंगी, पर इसके अंदर सब डिविजन है, इसी को सब शेल्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये आपको हेल्प करेगा ऑर्डर ये पता करने में कि इलेक्ट्रॉन रिमूव किस तरह होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस ऑर्डर में रिमूव होते हैं, ये आपका डिस्टेंस ऑर्डर है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4f में से रिमूव होंगे, अगर मैंने 4f तक का ऑर्डर लिखा है। अगर मैं 5 का भी ऑर्डर लिख दूंगा तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होंगे। अभी फर्स्ट करें मैंने 4f तक का ऑर्डर लिखा है, तो अगर आपसे कोई पूछे
इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन कैसे रिमूव होंगे? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 4f में से निकलेंगे क्योंकि वो आउटर मोस्ट मोस्ट ऑर्बिटल है, फिर 4d में से निकलेंगे, फिर 4p में से निकलेंगे, फिर 4s खाली होगा, फिर 3d खाली होगा, फिर 3p खाली होगा, फिर 3s, फिर 2p, फिर 2s और फिर 1s खाली होगा। तो ये आपका ऑर्डर है रेड कलर से, जो मैंने एक एरो ग्रीन कलर से राइट साइड पे जा रहा है और एक एरो रेड कलर से लेफ्ट साइड पे जा रहा है। जो एरो राइट साइड पे जा रहा है उसके नीचे मैंने लिखा है कि ये इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, इस ऑर्डर में फासला बढ़ रहा है न्यूक्लियस से। और जो लेफ्ट साइड पे रेड कलर का एरो जा रहा है उसमें मैंने 4f के बाद लिखा है कि यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होना शुरू होंगे। सबसे पहले 4f से इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, फिर 4d से, फिर 4p से, फिर 4s से। पर अगर हम इलेक्ट्रॉन भरने की बात करें, इलेक्ट्रॉन पूरा भरने की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन भरते वक्त जो ऑर्डर फॉलो होता है वो एनर्जी ऑर्डर है। एनर्जी का ऑर्डर डिस्टेंस ऑर्डर के जैसा नहीं है। एनर्जी ऑर्डर निकालने के लिए हम एक क्या करते हैं कि पहले एक लाइन में सारे 1s ऑर्बिटल लिख देते हैं, जैसे 1s, 2s, 3s, 3, 4s, 5s, 6s और 7s। s तो आपको पता है सब में होता है, तो एक लाइन में पहले ऊपर से लेकर नीचे तक s ऑर्बिटल्स लिख दिए जाते हैं, फिर सेकेंड शेल में एस के बाद पी होता है, वो सब में होता है, फिर उसके बाद वो सारे लिख दिए जाते हैं लाइन में, फिर थर्ड शेल में पी के बाद डी होता है तो फिर सब में नीचे डी लिख दिया जाता है, फोर्थ शेल में डी के बाद एफ होता है, फिर 4f से लेके नीचे सब में एफ लिख दिया जाता है, फिफ्थ शेल में जी भी होता है, फिर वहां से जी सब में लिख दिया जाता है, फिर सिक्स शेल में एच होता है, उसमें सब में एच लिख देते हैं, और सिर्फ वाहिद सेवेंथ शेल है जिसमें आई होता है। ये ऑर्डर यूं लिखने का मतलब ये है कि हम पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले 1s में जाएंगे, पहले 1s में जाएंगे सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, 1s में जाने के बाद इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगे। ये एनर्जी ऑर्डर, सबसे पहले कम एनर्जी 1s की है, फिर 2s की है, फिर 2p में जब जाएंगे तो उसके बाद खुद ही 3p जो है 3s साथ में कट हो जाएगा, यानी कि 2p के बाद एनर्जी आती है 3s की। फिर जब इलेक्ट्रॉन 3p में जाएंगे तो अगली बारी आएगी 4s की। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने येलो कलर से हाईलाइट की हुई है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन 3p में जाने के बाद पहले 4s में जाते हैं, 3p के बाद इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाते हैं, बाद में 3d में जाते हैं, यानी कि थर्ड शेल स्प्लिट होके फिल होता है। थर्ड शेल में पहले s फिल होगा, फिर थर्ड का p फिल होगा, फिर थर्ड का डी फिल नहीं होगा, पहले थर्ड का एस फिल होगा, फोर्थ का एस फिल होगा, 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है। तो मैंने आपको एनर्जी वाली बात की है, इसको जरा यहां समझें। देखें डिस्टेंस के हिसाब से ना, डिस्टेंस के हिसाब से 3d का डिस्टेंस करीब है न्यूक्लियस से और 4s थोड़ा दूर है डिस्टेंस के हिसाब से। तो जहां मैं इसको एनर्जी पे लेके जाऊंगा ना, ये देखेंगे हम आ गए एनर्जी पे, यह है डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से ये यूं है अपनी जगह पे खड़े हैं, पर एनर्जी के हिसाब से फोर एस की एनर्जी 3d से कम है, ये है इनके डिस्टेंस। डिस्टेंस के हिसाब से 4s न्यूक्लियस से ज्यादा दूर है, ठीक है, पर एनर्जी के हिसाब से 4s जो है वो पहले फिल होगा, ठीक है, ये पहले फिल होना चाहिए क्योंकि इसकी एनर्जी कम है। अब फिल होने का मतलब क्या है? फिल होने का मतलब ये है, यहां मुझे जरा आप सबकी फुल अटेंशन चाहिए। ये मैंने क्या किया है, ये क्या बने हुए सबसे राइट साइड पे, ये क्या बने हुए भाई, ये क्या बने हुए सारे शेल, ठीक है, ये क्या बने हुए आपके सब शेल, बिल्कुल ये क्या बने हुए उनके बिल्कुल ऑर्बिटल। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन डालने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो ये देखें, ये हाइड्रोजन आ गया, ये रहा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है, ये देखें 1s1, ये जो ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, ये वाला 1, ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है कि हाइड्रोजन में 1s में एक इलेक्ट्रॉन है। इसको लिखा जाएगा 1s1 लिखा जाएगा इसको। हाइड्रोजन के बाद अगला एलिमेंट कौन है? हीलियम। हीलियम में देखें क्या लिखा जा रहा है, 1s2, इसको हम लिखेंगे 1s में दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अगर आप सेकंड इलेक्ट्रॉन देखें जो एरो बने हुए हैं, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन में एक एरो ऊपर है, एक एरो नीचे है। इसकी लॉजिक क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगा बाद में, पर ये एरोज जो है वो इलेक्ट्रॉन है। हीलियम के बाद क्या है? लिथियम। लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन आने हैं, तो पहले दो इलेक्ट्रॉन तो इसी तरह आएंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन के लिए फर्स्ट शेल में जगह नहीं है, फर्स्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे, तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा सेकंड शेल में। ये देखें, ये लिथियम है। अगर आप ओ लेवल में लिखते तो ओ लेवल में क्या लिखते हैं इसको, 2-1 लिखते हैं ना। आप ओ लेवल में उसमें लिखते कि पहले शेल में दो, दूसरे शेल में एक, पर एक्चुअली वो जो एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है वो कहाँ पड़ा हुआ है? वो एक इलेक्ट्रॉन 2s1 में पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, 2p खाली है इस वक्त। ठीक है, फिर अगर आप बेरिलियम लिखते, बेरिलियम आप ओ लेवल में क्या लिखते, ये अगर बेरिलियम है फर्स्ट करें, बेरिलियम प्रोटॉन नंबर 4, अब ओ लेवल में लिखते हैं पहले शेल में दो, दूसरे शेल में दो, पर आपको हम यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ 2s में दो हैं, 1s में दो हैं, 2s में दो हैं, 2p अभी खाली है इसका। ठीक है, इसके बाद आप बोरॉन लिखते, बोरॉन होता है प्रोटॉन नंबर 5, ओ लेवल में अगर आप लिखते हैं तो 2,3 लिखते हैं इसको। आपको यहाँ लेवल में बता रहे हैं कि जो तीन इलेक्ट्रॉन है इसमें से दो s में पड़े हुए और एक p में पड़ा हुआ है, ये मिलाकर 3 बन रहे हैं आपके। पहले तो चैट में बताएं यहां तक सब साथ हैं भाई? अच्छा, इसके बाद बोरॉन के बाद कार्बन आता है, प्रोटॉन नंबर 6, उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा सेकंड शेल में, पर वो पी में भरेगा क्योंकि वही जगह है। ठीक है, एस में तो जगह नहीं है। ये देखें, ये कार्बन आ गया, कार्बन आया प्रोटॉन नंबर 6। आप वो लेवल में 6 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं? आप लिखते 2,4 लिखते हैं आप इसको, 2,4। वो अब आपको बताया जा रहा है कि जो आप 4 लिख रहे हैं ना जी, सर एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ऑर्बिटल कितने हैं इसमें? नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि मतलब जो एस होगा उसमें मैक्सिमम 2 ही आएंगे, भले वो किसी में भी हो। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल कितने पड़े हैं आपने? सर असल में पहली क्लास ले रहा हूँ मैं आज। अच्छा, आपको पिछले क्लास की रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगी बेटा, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा ये। बिल्कुल एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं क्योंकि उसमें ऑर्बिटल एक होता है, डब्बा जो बना हुआ ना पिंक कलर का, ये ऑर्बिटल है, एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप एक बात नोट करें तो जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं पी के, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन डालने थे आपने, पर दोनों इलेक्ट्रॉन आपने एक बॉक्स में नहीं डाले, सेम बॉक्स में, अलग अलग बॉक्स में डाले। इसकी भी रीजन सिलेबस में, तो अभी मैंने 2 बातें बताना बाकी हैं आपको। एक कि जब पिंक वाले बॉक्स में इलेक्ट्रॉन आए हैं तो एक एरो को ऊपर और एक एरो को नीचे क्यों शो किया है मैंने, और अभी जब ये ब्लू वाले बॉक्सेज में इलेक्ट्रॉन आए तो दोनों एक ही में क्यों नहीं आ गए? मतलब मैंने इसको यहाँ से हटाकर इसको यहाँ से हटा दूँ, यहाँ ना डालूँ, यहीं कर दूँ, यूं कर दूँ, ऐसा क्यों नहीं किया? ठीक है, अब ये आगे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन 7, ओ लेवल में आप इसको लिखते 2,5। अभी जो 5 इलेक्ट्रॉन है ना सेकंड शेल में, इसमें से 2 एस में पड़े हुए, 3 पी में पड़े हुए, तीनों अलग अलग बॉक्सेस में पड़े हुए। फिर उसके बाद आ गया ऑक्सीजन,
ऑक्सीजन प्रोटॉन नंबर 8, इसमें आया 2.6, ये जो 6 हैं इसमें से 2 एस में पड़े हुए, 4 पी में पड़े हुए। अब ये पेयरिंग होना शुरू होती है, अब ये पेयर होता है यहाँ पे। जब 4 की बारी आती है तो पहले 3 भर जाते हैं सिंगल, फिर चौथा डबल होता है। ऑक्सीजन के बाद आएगा आपके पास फ्लोरीन 9, ओ लेवल में आप उसको 2.7 लिखते हैं। ये जो 7 इलेक्ट्रॉन है इसमें से 2 एस में है और 5 पी में है, तो 5 जब फिल होंगे तो पहले 3 सिंगल फिल होंगे, फिर 2 में पेयर हो जाएगा। और फिर फाइनली आपके पास आएगा नियॉन। तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन ये बनती है, ये कॉन्फ़िगरेशन है नियॉन की। नियॉन में 2 इलेक्ट्रॉन 2.8 लिखते हैं आप ओ लेवल में इसको, तो 2.8 जो आप लिखते हैं उसमें आप कहते हैं कि 1s2 ओ लेवल में आप इसको 2 लिखते थे, और जिसको आप 8 लिखते हैं ए लेवल में आप इसको 2s2 2p6 लिखते हैं। यहां तक समझ में आई बेटा कॉन्फ़िगरेशन सबको? यस सर, क्लियर। जी सर। मैंने यहाँ नोट्स के अंदर आपको आसानी बनाने के लिए कॉन्फ़िगरेशन दोबारा लिखी है कि हाइड्रोजन में 1s1, हीलियम में 1s2, लिथियम में 1s2 और 2s1 एंड सो ऑन लिखी है। बट इम्पॉर्टेंट बात यह कि मैंने आपको 31st 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूं भी लिख कर दे दी है। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट हैंड ये होता है कि जब मैं नियॉन के बाद 10वें के बाद 11वां लिखूंगा ना सोडियम यहां से लेके यहां तक जस्ट लाइक नियॉन रहेगा 2p6 तक। तो हर दफा इसको कॉपी करने के बजाय थोड़ा टीडीएस हो जाता है, हम एक शॉर्ट हैंड कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करते हैं। हम सोडियम की को रिप्रेजेंट करने के लिए पहले नियॉन लिख देंगे। नियॉन 10 का मतलब है कि हमने 2p6 तक लिख दिया और आगे बस 3s1 लिखेंगे। ठीक है, आगे बस हम 3s1 लिख देंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे यहां तक ना ये देखें, ये हीलियम हो चुका था, ये हीलियम बन गया था। तो अब ये देखें सब में आ रहा है 1s2, सब में लिखने के बजाय आप हीलियम लिख सकते थे, या फर्ज करें यहां तक नियॉन आ गया, 2p6 तक नियॉन आ गया, ये नियॉन आ गया। अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन को, अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इतनी कहानी लिखने के बजाय ब्रैकेट में नियॉन लिख के आगे 3s1 लिख दें, या ब्रैकेट में नियॉन लिखने के बाद आगे 3s1 लिख दें, या ब्रैकेट में नियॉन लिखने के बाद आगे 3s2 3p1 लिख दें। यानी कि 2p6 जहाँ से चल रहा है वहाँ नियॉन। अब जब ये आर्गन आ गया, ये क्या आ गया, आर्गन। तो इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आगे आप सिर्फ इसको स्टैंडर्ड बना लें, आर्गन नोबल गैसेस को स्टैंडर्ड बना रहे हैं हम। यानी कि पूरी लंबी कहानी लिखने के लिए हम आर्गन लिख देंगे आगे। इंपॉर्टेंट बात समझने की यह है, अभी देखिएगा कि जब आपके पास नियॉन तक आ गया तो यहां देखो अगला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 3s, फिर ये फिल होगा, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये सिंगल, फिर ये पेयर, फिर ये पेयर, फिर ये पेयर, यहां तक होगी बात। ठीक है, एक एक करके देखो, सोडियम टू आर्गन यहां तक पहुंच जाएंगे हम। सबकी कॉन्फ़िगरेशन देखो नियॉन के जैसी है, ये रहा सब में नियॉन, ये रहा सब में नियॉन, ये रहा सब का नियॉन। आगे एक में 3s में एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर दो आए, फिर 3p में 1 2 3 4 5 6, ये सब आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई आपके सामने। ये आर्गन बना हुआ है इस वक्त, आर्गन 18 बना हुआ है। 2.8.8 ओ लेवल में आप उसको यूं लिखते थे 2.8.8, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े होते थे, 2 यहाँ, 6 यहाँ, 2 यहाँ, 6 यहाँ, ओ लेवल का आर्गन 2.8.8 था। यहाँ आपको मैं इस बात का जवाब देने जा रहा हूँ कि ओ लेवल में आप ये क्यों पढ़ते थे कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये अक्सर टीचर ओ लेवल में बच्चों को बता देते हैं कि थर्ड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन डालें आपने,
अगर वो आपसे कहते थे कि थर्ड में आते ही सिर्फ एक है तो वो गलत पढ़ा रहे थे आपको, ऐसा नहीं पढ़ाना चाहिए। पर अगर वो कह रहे हैं कि आप थर्ड में अभी आर्ट डालो बस, तो वो एक न्यूट्रल जुमला है, वो एक अलग बात है कि हाँ अभी किसी लॉजिक के तहत वो आपको कह रहे हैं कि अभी आर्ट डाल दो, बाकी वो कहानी आपको पूरी नहीं बता रहे। थर्ड सेल की कैपेसिटी 18 है, जैसे कैपेसिटी अगर आगे लिखूं तो कैपेसिटी 18 थी इसकी, ठीक है। होता क्या था कि थ्री के अंदर तीन सब सेल थे, थ्री के अंदर एस था, थ्री के अंदर पी था और थ्री के अंदर डी था, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन थ्री के पी को भरने के बाद पहले फोर के एस में जाने वाले हैं, तो आप जो अगले दो एलिमेंट पढ़ेंगे ना पोटेशियम और सोडियम, उसमें थ्री डी फिल नहीं होगा। ये देखें, ये रहा पोटेशियम। अब पोटेशियम क्या होता है, ओ लेवल में अगर आपसे बोलूं कि पोटेशियम 19 की कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आप क्या लिखोगे ओ लेवल में, आप लिखोगे 2881 लिख दोगे, आप 2881 लिख दोगे। और यहां से आपका ये ईमान पक्का हो जाएगा कि थर्ड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। भाई पीछे लॉजिक इसकी है कि थर्ड शेल में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आए, ये 6 इलेक्ट्रॉन आए, अभी 3D फिल नहीं हो रहा, अभी 4S में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसलिए आपने ऊपर 1 लिख दिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि थर्ड कंप्लीट हो गया है, थर्ड में अभी जगह बाकी है, उसका सबशेल अभी रुका हुआ है, 3P पे रुक गया है, 3D की अभी बारी नहीं आ रही, पहले इलेक्ट्रॉन 4S में जा रहे हैं। ये बात समझ में आई? Yes, sir, clear. 4S is filled after 3P. As 4S have lower energy than 3D. अब यही काम कैल्शियम पे भी होगा, अगले वाले पे भी। ये रहा कैल्शियम। अगर ओ लेवल में आपसे बोलेंगे कैल्शियम 20 की कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आप लिखोगे 2882 लिख दोगे आप ओ लेवल में। क्यों? क्योंकि आप थर्ड शेल में लिखोगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, उसके बाद अगले दो तो फोर्थ शेल में गए ना भाई, अगले दो तो फोर्थ में हैं, तो आप उसको 2882 लिखते हो। बच्चे को इंप्रेशन आता है जैसे कि थर्ड शेल में आते ही 8 इलेक्ट्रॉन है, वो 8 नहीं है, वो 4 अंडर सब शेल की कहानी है सारी। अगर आप अवेलेबल में आते हैं जहां आपको कैल्शियम के बाद आगे एलिमेंट्स को पढ़ना है तो अब आपको कहानी समझ में आएगी। ये देखें क्या होगा, ये आगे अगला स्कैंडियम। अगर ओलेवल स्टाइल से स्कैंडियम लिखना हो ना तो आपको लिखना पड़ जाएगा 2892 लिखना पड़ जाएगा। अब ये 9 की कहानी क्या हुई, अब ओलेवल स्टाइल से बच्चा परेशान हो जाएगा, ये 9 कैसे होगा भाई। 9 इसलिए हो गए क्योंकि ये रहे 3S में 2, ये रहे 3S में 6 और ये आ गया 3D में 1। तो अगर थर्ड को ऐड करना है तो 9 बन रहे हैं। 4S भरने के बाद फिर 3D का D भरना शुरू हो गया है। अब ये सिंगल सिंगल करके पूरा भरेगा, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे क्योंकि इसमें 5 डब्बे हैं। पहले हर डब्बे में सिंगल सिंगल एक इलेक्ट्रॉन आएगा, पहले 5 सिंगल भरेंगे, फिर 5 में पेयर 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 भरेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ये कौन है? बिलाल फरीद भाई, आपको भी बताया था कि आप जो सवाल करना है माइक अनम्यूट करके करें। मैं चैट नहीं देख रहा होता बेटा, ना मुझे स्टेटमेंट समझ में आती है, जो आपने पूछना है अनम्यूट करके पूछे माइक, और अगर माइक खराब है या माइक नहीं है तो वो आप सही करवा लें, उसके बगैर क्लासेस ऑनलाइन नहीं चल सकती। अच्छा जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir, clear. It's all about like the energy in the orbitals, right? To case it, हमारे पास जो 4s का केस है और 3d का केस है, so 4s के अंदर इसलिए जल्दी हो जाता है क्योंकि इसकी energy कम है as compared to 3d. जी बिल्कुल. Okay, sir. Thank you. अब ये टाइटेनियम है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, फिर इस तरह एक एक करके सिंगल भरता जाएगा, सिंगल भरने के बाद जब ये 3d भर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन दोबारा 4p में जाएंगे, ये 4p में चलेगा इलेक्ट्रॉन। हमारा सिलेबस 4p तक है बस, एंड फिनिश। हमारा सिलेबस यहाँ तक फिनिश हो जाता है। ये क्रिप्टन है आखिरी, 4p6।
आगे हमारे पास 3D की बारी नहीं आती सिलेबस में। ये मैंने आपको यहाँ पर लिख कर दे दिया है सारी कॉन्फ़िगरेशंस। तो अगर आप यहाँ फोकस करें, ये जो मैंने लिखा है, तो इसमें 3P के बाद क्या हुआ है, आर्गन के बाद पहले 4S में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बच्चों को ये बात पता होना चाहिए। तो यहां से इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गए, ये बीच में 3 का d है, ये खाली रहा। ये हमारे पास 3 का p था, ये हमारे पास ये जो लाइन है ये 3s है। ये 2p है, ये 2s है, ये पूरी लाइन 1s है। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s। तो अगर आप देखें 3p जब पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया, तो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ कंप्लीट होने के बाद 3p यहाँ कंप्लीट हुआ, 3p कंप्लीटेड। नेक्स्ट इज 4s, इलेक्ट्रॉन पहले 4s में गया, ठीक है। तो ये जूम आउट कर रहा हूँ, ये सबकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है एक साथ सामने, फर्स्ट 36 एलिमेंट्स। तो आपने ये लिखना सीखनी है। तो आपने अभी सिलेबस का आज ये लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया है, पॉइंट नंबर 6 एंड 7। अच्छा सर, जी जी सर, ये जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे एनर्जी लेवल्स के हिसाब से लिखेंगे ना? आप इसको एनर्जी लेवल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, या लिखते वक्त डिस्टेंस ऑर्डर लिखते हुए पर फिर एनर्जी लेवल के हिसाब से कर सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि ये इस वक्त जो लिखी हुई है ना, ये एनर्जी ऑर्डर लिखी हुई है, ठीक है। आप क्या करें, इसके सामने लिखें डिस्टेंस ऑर्डर, जैसे सबसे करीब कौन होता है न्यूक्लियस से, 1s, फिर कौन होता है 2s, फिर कौन होता है 2p, फिर कौन होता है 3s, फिर कौन होता है 3p, फिर कौन होता है 3d, न्यूक्लियस से करीब की बात हो रही है, फिर कौन होता है 4s, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f। अब आप फर्ज करें, आप बोलो आपको कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं। आपने भरने हैं 21 इलेक्ट्रॉन, ये आपने भरने हैं 19 इलेक्ट्रॉन, ये पोटेशियम है, ठीक है। 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपने, पोटेशियम है, 19 इलेक्ट्रॉन। पहले दो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, 19 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हो, 2881 लिखते हो ना आप ओ लेवल में, 19 इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हो, 2881। तो पहले दो इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, फिर 2 और 6 8 हुए, फिर 2 और 6 d नहीं भरना आपने, एक यहाँ डाल दो। तो बेशक डिस्टेंस ऑर्डर लिखो, पर इस तरह लिखना पड़ेगा, इसको खाली छोड़ना पड़ेगा आपको, इसको आपको एम्प्टी छोड़ना पड़ेगा। लिख दो बेशक, पर छोड़ना एम्प्टी पड़ेगा, पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएंगे। तो दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती हैं, एक जिसमें एम्प्टी को दिखाते ही नहीं है, उसको एनर्जी ऑर्डर कहते हैं। जैसे आपने, मैंने यहाँ पर 3p के बाद 3d दिखाया ही नहीं है, डायरेक्ट क्या दिखाया हुआ मैंने, 4s। इसका ये मतलब नहीं है कि 3p के बाद 3D है नहीं वहां पर, 3D वहां है, न्यूक्लियस के बाद, न्यूक्लियस के हिसाब से 3P के बाद पहले 3D पड़ा है रास्ते में, पर वो खाली है, तो हमने उसको दिखाया नहीं है। आगे हमारे पास डिस्टेंस में 4S बाद में आया है, पर भर पहले गया है वो। सर जी, अच्छा सर, 3D 0 लिख देंगे तो वो भी सही मतलब काउंट किया जाएगा? जी जी, 3D 0 और 4S 1 लिख दें। सही है सर, आ गया समझ, 3D 0 4S 1 लिख दें, कोई मसला नहीं। अब जब आप इससे अगले वाले पे जाएंगे, कैल्शियम पे जाएंगे, तो कैल्शियम आप लिखते हो 2882, उसमें 3D04S2 लिख दो। फिर जब स्कैंडियम पे जाओगे तो फिर 3D1 हो जाएगा, फिर वो पहले मैं ये चाहूंगा कि आप लोग यहाँ की, यहां तक की प्रैक्टिस करें अपनी, ठीक है, क्योंकि ये एक थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। मैं ये नहीं चाह रहा कि मैं जल्दी जल्दी बहुत सारी नई बातें पढ़ा दूं,
अभी आपने टॉपिक नंबर 6 और 7 कर लिया, सही है। और इससे रिलेटेड पहले मैं जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, मैं वो करवाना चाहूंगा इन द नेक्स्ट क्लास, नॉट इन राइट नाउ। अभी मैं चाहूंगा कि पहले आप इसको थोड़ा सा बुक से, नोट से पढ़ें। कुछ बच्चे नए हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम अभी क्लासेस ले रहे हैं जैसे कि, तो वो तो पहले पिछला प्रीवियस लेक्चर जो रिकॉर्डेड है वो स्कूल से फौरन ले लें और उसको देखें, प्रीवियस लेक्चर्स को, ताकि वो नेक्स्ट क्लास हमारी कल है या परसों है जो भी है, आप उसमें हमारे साथ हों बिल्कुल। और फिर आप जो हैं करें। अच्छा, वो बच्चे जो आज की क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपको कुछ मैं टास्क असाइन कर रहा हूँ कि अब आपने बुक से पढ़ना है, ठीक है। आप अपनी जो मैंने सिलेबस बुक आपको रेफर की थी, और आई थिंक मैंने आपको PDF सेंड भी कर दी थी ग्रुप में, ये वाली बुक, इससे अब आप रीड आउट करें जरा ये टॉपिक। ये जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में जाएंगे ना, तो इसमें लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, चैप्टर नंबर 3, इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ये आपने पढ़ लिया अभी, ठीक है। इसमें एक एक टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी, वो छोड़ दीजिएगा अभी, शुरू में पहले आयोनाइजेशन एनर्जी है, शुरू वाला टॉपिक आयोनाइजेशन एनर्जी छोड़ दीजिएगा। ये टॉपिक लिखा हुआ है सबशेल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यहां से पढ़ना शुरू करना है। पेज नंबर 37 बन रहा है, तो पेज 37 से आपने पढ़ना शुरू करना है और ये सब आपने पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़नी है, फिलिंग डी ऑर्बिटल, ये पढ़ के रखिएगा बस कल की क्लास के लिए। ये पैटर्न्स ऑफ आयनाइजेशन लेनी थी ना, खरीदते वक्त फोर्थ एडिशन लेनी है, पढ़ आप थर्ड एडिशन से भी सकते हैं। इस चैप्टर में बहरहाल थर्ड फोर्थ एडिशन में फर्स्ट एडिशन में कोई फर्क नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एडिशन में एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, थ्रू द सिलेबस पिछले 3 अपडेट से एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है। थर्ड एडिशन के अंदर जो चेंजेस हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, इस चैप्टर के लिए कोई मसला नहीं है, आप ये बुक इस्तेमाल करें, नई दोनों डीटो हैं, सेम है चैप्टर, सेम चैप्टर लिखा हुआ है दोबारा, ठीक है। तो इससे पढ़ के रखिएगा, तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इलेक्ट्रॉनिक ऑन। इसके अंदर बीच बीच में आयनाइजेशन एनर्जी भी है, सही है। मैं आपको अभी जो मैंने क्लास वर्क किया है वो सेंड कर रहा हूँ, आपको थर्ड एडिशन बाय करनी है अगर आप बाय कर रहे हैं समीता। ओके, सो ये हो गया। यस, ए चलिए मैंने भेज दिया आपको, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग जरा बुक रीड करें, पहले थोड़ा सा माइंड को इस कॉन्सेप्ट पर बिठाएं, फिर आगे बढ़ेंगे, सही है। जो कन्फ्यूजन हो वो नेक्स्ट क्लास में पूछिएगा, और अपने माइक सही कर लें जरा सब लोग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।